नाउ वी गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनको ब्रॉडली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है मैनेजरियल फंक्शन और एक है ऑपरेटिव फंक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं. एक मैनेजर के फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो क्या होता है प्लानिंग? सो सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज एक्चुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. हम क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग की जाती है. जैसे अब हम इसको थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसको एक फैमिली कंटेक्स्ट में पहले समझते हैं. फैमिली में क्या होता है? प्लानिंग होती है ना, मंथली प्लानिंग्स होती है कि भाई हमारा इस महीने का इतना बजट है तो हमको इसमें से इतना सामान, इतने का हम सामान लेके आएंगे, इतना हमारा दूध में चला जाएगा, इतना हमारा ये होगा. तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्लानिंग का पार्ट हो जाती है फैमिली प्लानिंग. ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग भी होती है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या कि भाई हम एक साल में कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम पाँच साल में क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारा वो टारगेट अचीव हो जाए. So, ये पूरा प्लानिंग का पार्ट बन जाता है. अगर हम इसी चीज को एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के कंटेक्स्ट में समझें तो वो कैसे प्लानिंग करता है कि भाई उसको इस साल कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कितनी प्रोफाइल्स पे उसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा, इस साल उसको उसको कितने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी. तो इस टाइप से एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपनी प्लानिंग करता है. देन द सेकेंड मैनेजरियल फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग, है ना. ये जो फंक्शन है इसमें ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज की, है ना. हम प्रॉपर ग्रुपिंग में अलग अलग एक्टिविटीज को डालते हैं और असाइन करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. जैसे मान लो घर में है दिवाली फेस्टिवल, है ना. दिवाली फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, असाइनमेंट हो जाता है ना सबको सबके काम का कि पापा लाइट लगाएंगे, है ना, और मम्मी खाना बनाएंगी, और जो मान लो एक बेटा और बेटी है उनके तो बेटी का को काम मिल जाता है वो रंगोली बनाएगी और बेटा को काम मिल जाता है कि भाई तुम पूरे अपने फटाकों को एक जगह जमा के रखोगे, है ना. तो ऐसे क्या हो गया, हर व्यक्ति को एक काम असाइन कर दिया गया. सो यही ऑर्गेनाइजिंग होता है कि आप अलग अलग ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को अलग अलग व्यक्तियों को असाइन कर देते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब हम एचआर मैनेजर की बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लो एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन में तीन लोग हैं तो हम क्या करते हैं, एचआर फंक्शन की सारी एक्टिविटीज को ग्रुप अप करके उन तीनों को असाइन कर देंगे. मान लो एक को हमने असाइन किया कि उसका काम है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरे का काम है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल पे काम करना है सब लोगों के, तीसरे का काम है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना है. तो क्या किया हमने, उनको अलग अलग काम असाइन कर दिया. तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग. देन द थर्ड इज डायरेक्टिंग. नाउ व्हाट इज डायरेक्टिंग? दिस इन्वॉल्व्स सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग दी employees or the personnel to execute the plans. Direction is very essential because उसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता. तो क्या होगा, directing में क्या करते हैं, आप उनको सही direction दिखाते हो कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे हमने बात करी लाइट लगाने की, है ना. तो जैसे जब पापा ऊपर लाइट लगाते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं ना नीचे किसी को खड़े होकर देखो सही लग रही है कि नहीं, सही दिख रही है कि नहीं. तो वो क्या हुआ, सही नहीं दिखती तो अपन बोलते ना नहीं पापा यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ऐसी लगाओ. तो ये क्या हो गया, आप उसको उनको डायरेक्शंस दे रहे हो कि यहाँ से सही नहीं ऐसी लगाओ. ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में भी होता है कि जब कोई एम्प्लॉई सही काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका जो सुपरवाइजर है वो उसे गाइड करता है कि इस काम को ऐसे नहीं इस तरीके से करो, तब जाके तुम्हें वो डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा. तो ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग. इस तरीके से आप एक इफेक्टिव लीडर की तरह अपनी टीम को गाइड कर सकते हो ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उनको अचीव कर सके. देन आवर फोर्थ मैनेजरियल फंक्शन इज कंट्रोलिंग, है ना. कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, अब हम कंट्रोलिंग में जो हमने पहले स्टेप में क्या किया था, हमने प्लानिंग की थी, प्लानिंग करके हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया. कंट्रोलिंग में अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ. अगर वो अचीव हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसके क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अचीव नहीं हो पाया और उसके लिए हमें क्या एक्शंस लेने की जरूरत है. सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती हैं आपकी कंट्रोलिंग में.
भी आपका आपकी रिव्यू रिपोर्ट्स हैं, आपके रिकॉर्ड्स हैं, उनको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, है ना, कि सही तरीके से चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही है। तो एक एचआर मैनेजर का भी यही काम होता है, यही चीजों को एनालाइज करना और इन्हीं चीजों को देखना। तो ये अभी जो हमने देखा ये थे मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। अब हम देखेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर, है ना। तो ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या, जो डे टू डे बेसिस पे उनको ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं उसमें वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ऑपरेटिव फंक्शंस में पहला है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। प्रोक्योरमेंट जैसे कि हमको नाम से समझ में आता है, प्रोक्योर करना, है ना। कहीं ना कहीं हम इसमें लोगों को रिक्रूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में विद द डिजायर्ड स्किल सेट। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन की भी अलग अलग कहना चाहिए सब टाइप्स में हम उसको समझ सकते हैं कि क्या होते हैं प्रोक्योरमेंट फंक्शन। सबसे पहला है उसमें जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम हर एक जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी और क्या डे टू डे बेसिस पे उनको काम करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जॉब एनालिसिस कहा जाता है। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स एट प्रॉपर टाइम्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी जगहों पे और सभी समय सही अमाउंट ऑफ पीपल रहे, है ना, राइट अमाउंट ऑफ पीपल कहना चाहिए, है ना। कि इससे क्या, इस प्लानिंग से क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितने लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं जो काम करते हैं, कई लोग हैं जो छोड़ के भी जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर साल में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जिनको हमको बाहर से रिक्रूट करना पड़ेगा, हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जिनको हम इंटरनली कहीं ना कहीं रिक्रूट कर सकते हैं और उन्हें हायर पोजिशन पे किन लोगों को प्रमोशन भी दे सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज फाइंडिंग आउट द एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। सो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। अब कई बार क्या होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, इसमें बहुत कंफ्यूजन सबको रहता है। तो आज हम वन बाय वन करके समझेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है, है ना। तो पहले तो इसमें थर्ड पॉइंट प्रोक्योरमेंट फंक्शन में क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जो कि आपके एम्प्लॉयज बन सकते हैं, उन लोगों को आप एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, तो उसमें बकायदा वो बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट दिया, इतनी हमारे पास प्रोफाइल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, उसके साथ आपको ये पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा एड है ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज जो उनके हो सकते हैं या जो बहुत केपेबल कैंडिडेट्स हैं उनको एनकरेज और मोटिवेट करेगा कि आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, इस पर्टिकुलर पोजीशन का आप फॉर्म भरो जो उसमें डेट्स मेंशनड है उस हिसाब से, और आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो इस प्रोसेस को उन्होंने कहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर फोर्थ जो फंक्शन है प्रोक्योरमेंट फंक्शन में, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एसर्टनिंग क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेंट विद अ व्यू टू अप्रेज हिज और हर सूटेबिलिटी टू दी जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस को हम रिजेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए एम्प्लॉय का, हमें उसकी क्या स्किल्स चाहिए, हमें उसकी क्या नॉलेज चाहिए, उस चीज़ को हम मैचअप करते हैं कैंडिडेट्स के साथ, और फिर हम ये डिटर्मिन करते हैं कि वो कैंडिडेट जिस जॉब प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई किया है उसके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर वो सूटेबल है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर वो सूटेबल नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेजर चंक ऑफ पीपल आर रिजेक्टेड एंड ओनली फ्यू ऑफ देम आर फाइनली सिलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसको रिजेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। और यही अंतर है दोनों में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिर्फ एनकरेज कर रहा है कैंडिडेट्स को टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफाइल, और सिलेक्शन प्रोसेस में एक्चुअली में हम एसर्टन करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल है या नहीं एज पर that particular candidate's background. Then comes our fifth step in the procurement function is placement. Placement क्या है? It is the process जो कि ensure करता है a 360 degree fit. हमने employee को select कर लिया, उसके बाद हम उसको एक particular job में place करते हैं।
मान लो हमने उसको रिक्रूट किया एक एचआर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे, हमें लगा कि उसने एमबीए किया हुआ है, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है पुराना, इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है, तो वो परफेक्ट है और उसने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उससे हमने एसेस किया कि हाँ उसे नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड की, तो हमने उसे रिक्रूट कर लिया। अब आप उसको प्रॉपरली उसकी जो पोजिशन है ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर आप उसको प्लेस करोगे, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं placement, wherein you are matching up that particular employee's qualifications, skills, experience and interest in the job with the organization. That is the placement. Then our sixth function is induction orientation. Placement हो गया, आपने उसको प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, उसका इंडक्शन और ओरिएंटेशन करोगे। इंडक्शन ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय को एक ओवरव्यू बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, और हमारा जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है उसमें कैसे काम होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स हैं, और साथ ही साथ में उसको क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका क्या लीव मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, उसके क्या वर्क टाइमिंग्स रहेंगे, इस तरीके से उसका पूरा हम उसको कहना चाहिए उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो वापस जाके अपनी वर्क प्लेस पे काम करता है तो उसके सुपीरियर्स भी उसको 1-to-1 उसके काम से कहना चाहिए अवगत कराते हैं, उसके काम से उसको मतलब कहना चाहिए कंफर्टेबल करवाते कि भाई दिस इज द वर्क यू नीड टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है आपका इंटरनल मोबिलिटी, ये भी प्रोक्योरमेंट फंक्शन ही है। अब इंटरनल मोबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज का फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब ये जो मूवमेंट होगा एम्प्लॉयज का, ये कैसे हो सकता है, या तो ट्रांसफर या प्रमोशंस। ट्रांसफर में क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज दिया जाता है, राइट। ट्रांसफर जो है वो कहना चाहिए रिलोकेशन भी हो सकता है ना, या फिर वो डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। फिर प्रमोशंस, प्रमोशन में क्या होता है, आपकी रैंक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं और साथ ही साथ में आपके जो रिमुनरेशन है उसमें भी इंक्रीमेंट आता है, तो वो प्रमोशंस। तो इस तरीके से इंटरनल मोबिलिटी यानी कहना चाहिए इंटरनल मूवमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से होता है, तो उसमें भी एचआर मैनेजर्स जो है वो देखते हैं कि भाई हम किनको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो आपको वर्कफोर्स चाहिए 10 लोगों का और एक पर्टिकुलर जगह पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन 5 लोग ही काम कर रहे हैं, फिर आपने दूसरी जगह देखा कि भाई यहाँ 5 लोगों को हम कैसे और लेके आएंगे भाई 10 लोगों का काम यहाँ पे हो सके, आपने देखा दूसरी जगह कहना चाहिए कि वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे 5 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, तो वहां से 5 लोगों को आप हटा के जहां एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है वहां पे आप फिट इन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये इंटरनल मोबिलिटी का फंक्शन चलता है, राइट। तो ये हमने देखे सारे प्रोक्योरमेंट फंक्शंस। नाउ वी गोइंग टू सी द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ एचआर। अब डेवलपमेंट होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, मोल्डिंग, चेंजिंग एंड डेवलपिंग द स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। सो क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का स्किल सेट बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उनका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो, तो उसके लिए ये डेवलपमेंटल फंक्शन होता है एचआर का। इसमें क्या क्या आता है डेवलपमेंटल फंक्शंस में, सबसे पहले तो आएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ नई चीजों को सिखाते हैं ताकि उनके अंदर स्किल एनहेंसमेंट हो, उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी एबिलिटीज इंक्रीज हो, उनका एटीट्यूड। कई बार ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया जाए, ताकि कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में फैल रही होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उस टाइम इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आती है जहां पे हम लोगों के एटीट्यूड को स्ट्रीमलाइन करके सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सके। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन कम्स योर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों के मैनेजरियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज को अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर सकते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव एमबीए चलता है आजकल, ताकि वो जिन लोगों के पास ये वाली डिग्री नहीं है वो अपने काम के साथ साथ एक एमबीए डिग्री भी कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए प्लान चलता है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी कैपेबिलिटी में इंक्रीमेंट आएगा, उनकी स्किल सेट में इंक्रीमेंट आएगा, और यही अल्टीमेट गोल है एक डेवलपमेंटल फंक्शन का। देन कम्स योर करियर प्लानिंग। अब करियर प्लानिंग में क्या होता है, एक करियर पाथ बनाती है ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय का, कि भाई आप अपने करियर में किस तरीके से ग्रो करेंगे। आज आप यहाँ हैं, आप कल को अगर आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा करियर ग्राफ बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
तो वो जो करियर ग्राफ और ये जो करियर प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, वो ये जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कमिटमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सको कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के लंबे समय तक रहोगे तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजिशन तक ग्रो कर सकते हो, वो आपको दिखाया जाता है। फिर करियर प्लानिंग में एक और चीज आती है जिसे हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे की इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियलिटी है कि वो कल को हायर प्रोफाइल्स को हैंडल कर सके। जैसे मानो आज मैनेजर पोजिशन पे 3 लोग काम कर रहे हैं और वो जो मैनेजर है उसके उनके ऊपर जो है कहना चाहिए एक सीनियर मैनेजर है, तो उन 3 मैनेजर्स में से हमको लगा कि भाई इसमें से ये एक मैनेजर है जो कि कल को चल के सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएगा, उसके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, उसके अंदर वो रिक्वायर्ड लीडरशिप क्वालिटीज है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस एम्प्लॉय को उस तरीके से फॉस्टर और नजर करने लगते हैं कि वो कल को जाके जब वो सीनियर मैनेजर जो है अगर मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है या उसका प्रमोशन हो जाता है तो वो प्रोफाइल वेकेंट हो जाएगी, तो उस प्रोफाइल को फिलअप करने के लिए हम इस मैनेजर को फिर वहां पे प्रमोशन देंगे। तो इस तरीके से पूरी ये सक्सेशन प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। तो ये क्या हुआ, ये भी डेवलपमेंटल फंक्शन है। देन कम्स फिर अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वही जो अभी तक हम पूरी बात करते आ रहे हैं, हमें एक इस टाइप का क्लाइमेट डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू एनहेंस देयर नॉलेज, एनहेंस देयर स्किल्स, वही है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन तो फुल एफर्ट डाल ही रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर पाए सही तरीके से, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग करंट वर्ल्ड के साथ मिलजुल के चल सके और रेलेवेंट रहे विद दी चेंजिंग एनवायरमेंट्स। तो ये थे आपके पूरे डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब हम देखेंगे मोटिवेशन एंड कॉम्पनसेशन। तो क्या होता है, ये भी एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट एचआर मैनेजर्स का। मोटिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन में हम लोगों को एनकरेज और इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब आप उनको कैसे एनकरेज और मोटिवेट करोगे, उसमें 2 टाइप के मोटिवेशन जनरली आते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, वो मोटिवेशन जो कि हमें अपने अंदर से आता है, और हमें अपने अंदर से कब आएगा मोटिवेशन, जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें हों हमारे साथ जो हमें एक्चुअली में एनकरेज और मोटिवेट करती हो, तो हम अपने आप अंदर से एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे कि हम वो परफॉर्मेंस दे पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मॉनेटरी बेनिफिट्स उतना एनकरेज नहीं करते, अगर उन्हें अवार्ड, रिवॉर्ड या मेडल मिले या ट्रॉफी मिले तो वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा एनकरेज करती हैं, तो उससे उनको लगता है अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उन्हें फीलिंग आती है दैट दे हैव एक्चुअली अचीव समथिंग, उन्हें दूसरे लोगों के सामने अप्रिसिएशन या आप उनको एक्नॉलेज करते हो तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उन्हें लगता है कि यार नहीं देखो आई गॉट द अवार्ड एंड रिवॉर्ड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, सो नाउ दिस बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड मिला है मैं उसमें और अपना 300% दूँ। तो ये क्या हुआ, इंट्रेंसिक मोटिवेशन। देन कम्स योर एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हमें बाहर से मिलता है, जब मान लो किसी व्यक्ति ने हमें एनकरेज या मोटिवेट किया टू डू अ सर्टन थिंग इन अ सर्टन वे, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन कैसे देती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वो इस टाइप का अप्रेजल सिस्टम देगी, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देगी कि आप एनकरेज होके ऑटोमेटिकली अच्छा काम करो, जब आपको पता है कि आप ये टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको इतना अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप एनकरेज होते हो कि नहीं यार मुझे ये टारगेट अचीव करना है कि मेरे को इतने मेरे इंसेंटिव्स बन जाएंगे, तो इस तरीके से आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो 2 टाइप के मोटिवेशन हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीकों से यूटिलाइज करती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सके कि वो अच्छा परफॉर्म करें। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मोटिवेट करती है एक एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पे। सबसे पहले उसमें आएगा जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या होता है कि हम जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि वो एक एम्प्लॉय को एनकरेज और मोटिवेट करे कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। सो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वी नीड टू ऑर्गेनाइज दी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सच अ वे कि वो एंड में चल के एक प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वर्क बन के सामने आए। सो वो होता है पूरा आपका जॉब डिज़ाइन। सो जॉब डिज़ाइनिंग में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय की कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखते हैं कि भाई वो एम्प्लॉय उस काम को करना इंजॉय करे, और एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उस काम करने के थ्रू फुलफिल भी हो, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें जब भी हम जॉब डिज़ाइन करते हैं। देन कम्स वर्क शेड्यूलिंग। अब वर्क शेड्यूलिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज किया कि हम लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे, बाय जॉब एनरिचमेंट।
हम जॉब को एनरिच कर दें या फिर हम लोगों को शॉर्टर वर्क वीक्स प्रोवाइड करें, जैसे 5 days वर्किंग 2 days ऑफ, फिर फ्लेक्सी टाइमिंग के आपको हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपने टाइमिंग्स के हिसाब से काम कर सकते हो, हमें सिर्फ मतलब है आउटपुट से कि भाई हमें इन अ डे ये चीज कंप्लीटेड चाहिए, अब आप जितने भी ड्यूरेशन में काम करके आप हमें दो, तो वो हो जाता है फ्लेक्सी टाइमिंग, कि वो अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल चूज कर सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक वो पूरे दिन में काम करना चाहते हैं। फिर आता है वर्क शेयरिंग, है ना, काम को आपने दो लोगों में शेयर कर दिया या डिवाइड कर दिया। फिर होते हैं कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स, तो ऐसे करके बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है ताकि वो उनके काम को एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग रख सके। एंड एट द सेम टाइम एक जो कई बार कुछ लोगों को एक चैलेंज रिक्वायर्ड होता है वर्क पे, तो वो उनको वो चैलेंज भी मिले वर्क में ताकि वो हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहें, एंगेज्ड रहें अपने काम को करने में, है ना। क्योंकि अगर एक एंगेज्ड एम्प्लॉय नहीं होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं या तो नेगेटिविटी फैलाएगा या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसको वैल्यू करे, उसके लिए ये वर्क शेड्यूलिंग की अलग अलग टेक्निक्स इंप्लीमेंट की जाती है। तो इसमें वो अलग अलग फैसेट्स का ध्यान रखते हैं, उनका फिजिकल, उनका फिजियोलॉजिकल, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है जब भी वो वर्क शेड्यूलिंग की बात होती है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में तो हम बात ही करें, हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ध्यान में रखते हुए रिवॉर्ड्स डिज़ाइन करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये देखती है कि किस एम्प्लॉय को क्या चीज़ एनकरेज या मोटिवेट करेगी, उस हिसाब से वो उसको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स देते हैं। पनिशमेंट तो नहीं, रिवॉर्ड्स ही देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सो अब नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में अभी हमने इतनी बात की है, तो मोटिवेशन में जैसा कि मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि वो इनका प्रॉपर मिक्स रखे, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, किस एम्प्लॉय को क्या चीज़ एनकरेज और मोटिवेट करेगी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने इंसेंटिव्स को या रिवॉर्ड सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए। तो कुछ लोगों को फाइनेंशियल मोटिवेशन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन अच्छा लगता है, और कई बार कुछ लोगों को मिक्स अच्छा लगता है, कभी फाइनेंशियल कभी नॉन फाइनेंशियल। तो उसी तरीके से आपको आपके रिवॉर्ड सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहिए, तभी आप एक एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर, एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हो। और जब मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। Then comes job evaluation. Job evaluation क्या होता है? ये एक systematic process है जिसके through हम relative worth जो है किसी भी job की उसको determine करते हैं कि वो एक particular job उस organization में कितनी valuable है। और job evaluation क्यों किया जाता है? जब हम उसकी value निकालेंगे कि ये job कितनी valuable है, उसी हिसाब से उसका हम salary या remuneration decide करते हैं। तभी तो आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोफाइल के लिए अलग सैलरी होती है। क्यों होती है? इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ, उसकी प्रोफाइल अलग है, है ना, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी अलग है, तो कहीं ना कहीं उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग होगा, राइट। सो इसी तरीके से जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, पहले हम प्लानिंग करी थी हमने उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया था, हमने एम्प्लॉय को बताया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव आपको इतने समय में आपसे एक्सपेक्टेड है, अब आप काम करिए। फिर उसने परफॉर्मेंस दी, फिर उसने काम किया। उसके बाद जब उसने काम किया तो जब असेसमेंट का टाइम आया तो हमने देखा कि हमने जो उसके ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें से उसने कितना अचीव किया, और जितना उसने अचीव किया उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसको हमें ऑर्गेनाइजेशन में रखना है या उसे प्रमोट करना है, उसे इंसेंटिव्स देने हैं या उसे डायरेक्ट करना है कि वो और अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सके। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का। और ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। आप जॉब परफॉर्मेंस दोनों कंटेक्स्ट में डिटरमिन करते हो। इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर में लेती है कि हाउ दिस A particular employee behaves with other people. So it depends कि आप कैसे अपना performance appraisal system design करते हो और उस हिसाब से decide किया जाता है। तो ये पूरा है आपका performance appraisal system. तो performance appraisal system से क्या होता है, जब पता है कि आप biannually या annually आपका performance appraisal होगा तो कहीं ना कहीं आप automatically encourage और motivate होते हो कि भाई मुझे targets achieve करने हैं, मेरा performance appraisal आ रहा है या मुझे अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मैं प्रमोट हो सकूं ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें हैं जो कि एनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉय को कि वो अपना 100% दे और अपने टारगेट्स को अचीव कर सके, राइट। देन कम्स कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड।
कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि एक एम्प्लॉय को हमें कितना पे करना है. तो हम रिम्यूनरेशन सिस्टम या कहते हैं हम सी टू सी जो है किसी भी एम्प्लॉय का, हम इस तरीके से डिजाइन करें कि वो एम्प्लॉय को एनकरेज और मोटिवेट करे, एंड एट द सेम टाइम वो इस तरीके से डिजाइन हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे भी मतलब कहना चाहिए कॉस्ट बर्डन की तरह नहीं आना चाहिए, है ना. तो कहीं ना कहीं ऐसा रिम्यूनरेशन रहे जो हम सही एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा भार नहीं आना चाहिए. तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे आप देखोगे इंसेंटिव स्ट्रक्चर रहता है कि आप जितना टारगेट अचीव करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपका जो इनिशियल फिक्स सैलरी है उसको कम करके वो आपके इंसेंटिव स्ट्रक्चर के या इंसेंटिव जो आपको मिलेगा उसको वो बढ़ा देते हैं. तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से कॉम्पनसेशन सिस्टम डिजाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो आप क्या चाहते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस तरीके से आप अपने कॉम्पनसेशन सिस्टम को डिजाइन करो ताकि वो लोगों को एनकरेज भी करें और साथ ही साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए, एंड इट शुड बी फेयर एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स होना चाहिए. सो ये था आपका इंसेंटिव्स. अब हम देखेंगे बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन. तो किस टाइप के बेनिफिट्स, जैसे सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी, है ना, कि भाई आप इंश्योरेंस आप कभी करा सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स कभी करा सकते हो. फिर कुछ कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन होता है, जैसे कभी कुछ आपको बीमारी हो गई या कोई आपका डिसेबिलिटी हो गई तो आपको एक कॉम्पनसेशन दिया जाता है जिसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन देते हैं कहते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. मान लो आपका बर्थडे है तो उसमें आपको कुछ गिफ्ट वाउचर्स दे दिए, आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट्स दे दी आपको, साथ ही साथ में आपको पेड हॉलीडेज दिए, आपको कोई सी क्लब की मेंबरशिप दे दी. तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को देती रहती है. कई बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी चलते हैं कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट ऑफ कई बार शेयर्स दे देती है कि भाई आप को भी एज एन ओनर ट्रीट किया जाता है सम अमाउंट ऑफ शेयर्स. तो वो भी एक तरीका है जिससे आप एम्प्लॉयज को लंबे समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के रख सकते हो. तो इस टाइप से अलग अलग तरीके से वो एम्प्लॉयज को एनकरेज और मोटिवेट करते हैं ताकि उनसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकें और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जनरेट कर सकें. देन कम्स योर मेंटेनेंस फंक्शन. अब मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस इज एक्चुअली द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज. अब बहुत जरूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग पे ध्यान दें, उनकी फिजिकल वेलबींग एज वेल एज उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग. अब हम कैसे करेंगे ये, सबसे पहले तो हम देखते हैं हेल्थ और सेफ्टी, हम फिजियोलॉजिकल वेलबींग देखते हैं. तो बहुत जरूरी है फिजियोलॉजिकल वेलबींग देखने के लिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने डिजाइन किए हैं, ये बहुत सारे एक्ट्स हैं अलग अलग एक्ट्स के तहत गवर्नमेंट ने बताया है कि क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम वर्किंग कंडीशंस जैसे हम बात करें तो क्या होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, तो वो गवर्नमेंट ने बताई हैं. तो हमें उन नॉर्म्स, उन रूल्स, उन रेगुलेशंस, उन एक्ट्स के तहत काम करना चाहिए, उन एक्ट्स को एडहर करना चाहिए ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकें, साथ ही साथ में जो एक्सीडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं उनको प्रिवेंट कर सकें. ये वाली चीज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल रहती है कहाँ पे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में. वहाँ पे कई बार एम्प्लॉयज ना सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते जो कि वहाँ पे लिखे भी रहते हैं और उन्हें बार बार बताए भी जाते हैं, और सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मेंटेनेंस फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये भी एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से उन सभी चीजों को फॉलो करवाया जाए. और कई बार क्या होता है जैसे हैजार्ड्स, बहुत सारे जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, उनको भी हेल्थ इश्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो उसके लिए भी क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, कैसे हम उस वर्कर की हेल्प करें कि भाई उसे डिजीजेस ना हो, और अगर डिजीजेस हो गई हैं तो उसको हम कैसे कॉम्पनसेशन दिला सकते हैं. तो ये है पूरा आपका हेल्थ और सेफ्टी का कंटेक्स्ट. फिर सेकेंड जो है एम्प्लॉय वेलफेयर. अब एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या चीजें आती हैं, आप कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसी फैसिलिटीज या कुछ ऐसी एमिनिटीज आप एम्प्लॉयज को ऑफर करते हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. कैसे, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, आपने आपके एम्प्लॉयज के लिए घर बनवाए, राइट. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, है ना, आप उनको टू एंड फ्रो फ्री प्रोवाइड कर रहे हो. एजुकेशन फैसिलिटीज, है ना, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने स्कूल्स खुलवाए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है उनके अपने खुद के स्कूल्स होते हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ सकते हैं, राइट. हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हॉस्पिटल्स खुलवाती हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सभी के लिए रहता है, वेलफेयर फंक्शन रहता है उनका. तो इस तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉय वेलफेयर की चीज़ें रहती हैं, एक वो पैकेज टाइप का बना देते हैं जहाँ पे ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. देन कम्स योर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में क्या किया जाता है, हम कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. किस टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स रहेंगे,
कॉम्पनसेशन की जो हम बात कर रहे थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वर्कर्स को दिया जाता है या फिर उनके डिपेंडेंट्स को. मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसमें भी अलग अलग चीजें रहती है, पार्शियल डिसेबिलिटी या फिर फुल डिसेबिलिटी. तो जैसी जो डिसेबिलिटी हुई है उस हिसाब से उस एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया जाता है. कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि भाई वो एम्प्लॉय अब काम ही नहीं कर सकता, या बिकॉज ऑफ दी जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसकी डेथ हो गई मान लो अनफॉर्चुनेटली, तो उनके घर वालों को फिर काम दिया जाता है, उसके घर के किसी एक व्यक्ति को जो कि काम कर सकता है उसका, उसे काम दे दिया जाता है. तो इस तरीके से पूरा कॉम्पनसेशन सिस्टम चलता है. और क्या हो सकता है, मेटर्निटी बेनिफिट्स टू वुमेन एम्प्लॉयज, है ना. मेटर्निटी बेनिफिट्स, जैसे अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उतने ड्यूरेशन में एक फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई इतने डेज की लीव मैंडेटरी है और इतने डेज की लीव की वो हकदार है, उसे मिलनी चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सके प्रॉपरली, अपने एक बेबी को हेल्दी तरीके से डिलीवर कर सके. फिर आती है सिकनेस बेनिफिट्स और मेडिकल बेनिफिट्स. तो सिकनेस लीव्स मिलती हैं आपको, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपके मेडिकल बिल का रिइंबर्समेंट भी देती है, स्पेशली दी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. वो अगर आपका कोई मेडिकल इशू हुआ है, मान लो किसी चीज़ को लेकर आपका ऑपरेशन हुआ है, आपके हॉस्पिटल के बिल्स हैं, तो वो उनको रिइंबर्स करती है. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसमें आप पीएफ देख लो, पीएफ आता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सारी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आती है. तो ये भी क्या हुआ आपका, मेंटेनेंस फंक्शन.